वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए दुमका पुलिस एक अच्छी तस्वीर देखने को आ रही है। ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मी जहां लोगों को नियमों के पालन कराकर जीवन की रक्षा कराने में जुटी है, वहीं बाहर से आने वाले लोगों का भी खासा ख्याल रखा जा रहा है। दुमका पुलिस के इस मानवता के रूप को भी देखने को मिल रहा है कि जहां पुलिस अपने सहकर्मी के अलावा साफ सफाई के साथ बाहर से आने वाले लोगों को खाने की सामग्री उपलब्ध करा रही है ताकि लॉकडाउन की स्थिति में कोई भूखा नहीं रहे। वहीं शहर के लोगों का ध्यान रखते हुए जिला प्रशासन के सहयोग से गांधी मैदान में हाट भी लगाया गया है, जहां लोग डिस्टेंस का पालन करते हुए 3 घंटे तक रोजमर्रा की जरूरतों की सामान खरीद सके। इसमें सत्तू प्याज नमक सब क्या हुआ है, ठीक है, एकदम टेस्ट इस्तेमाल करो। कोरोना से लड़ाई में साथ दो। ब्रेड भी है क्या? अच्छा ठीक है, मौका मिलेगा पानी लेके सत्तू पी लेना, खा लेना शाम के, ठीक है। सत्तू खाओ, ठीक है, चलो ठीक है, सत्तू लीजिए खाइए। वायरस संक्रमण से बचाव के लिए पुलिस रात दिन लगे हुए हैं, सुरक्षा कर्मी भी लगे हैं, स्वास्थ्य कर्मी भी लगे हैं, सफाई कर्मी भी लगे हैं। आज आपने सबों के बीच सत्तू वितरण किया, क्या उद्देश्य था आपका इसके पीछे? उद्देश्य मेरा कुछ नहीं था, उद्देश्य मेरा मनोबल बढ़ाना था कि हम लोग जो है कि दिन रात एक कर लगे हुए हैं, स्वास्थ्य कर्मी, सफाई कर्मी, पुलिस और भी मीडिया बंधु मीडिया कर्मी सभी जो है कि दिन रात से एक लगे हुए हैं कि हम लोग जो है कि कोरोना वायरस की लड़ाई में लड़ रहे हैं, साथ साथ भूखे प्यासे सभी काम कर रहे हैं। वही गर्मी को देखते हुए मन हुआ कि नहीं कुछ जो है कि हम अपने पुलिस कर्मी को सत्तू दे दें। इसी बीच में कुछ जो सफाई कर्मी आ जाते हैं या राहगीर जो बहुत से बंगाल से उड़ीसा से लोग आ रहे हैं, बोले भूखे हैं, पैदल चल के आ रहे हैं रानीगंज से, उन लोग को जो है कि हमने जो है कि सब प्याज और मिर्चाई उपलब्ध कराया, यही मेरा